अनुप्रिया को राजा ने किस बात को लेकर समझाया, ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं। कुंडा में जिस तरह से राजा भैया को तू तड़ा कर अनुप्रिया आई थी, अब कौशाम्बी में मतदान खत्म हुआ तो राजा भैया ने अनुप्रिया को प्यार से करारा जवाब दे दिया। नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। अनुप्रिया ने प्रतापगढ़ की एक जनसभा में ईवीएम से राजा रानी बनने की बात कही थी। कहा था अब मां के पेट से राजा रानी पैदा नहीं होते। इसी पर राजा भैया का पलटवार सामने आया। जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर करारा हमला बोला। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी, 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान था। राजा भैया कह रहे हैं लोकतंत्र की मूल भावना राजा रानी जैसी चीजों के खिलाफ है। लोकतंत्र में जन सेवक बनते हैं, राजा रानी नहीं पैदा होते। बता दी कि राजा भैया इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान से अलग दिखे। पिछले चुनाव तक वो अपनी पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में दस्तक देते थे। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखता था। इस लोकसभा चुनाव से अलग रहते हुए कुंडा विधायक ने किसी भी दल को समर्थन न करने का निर्णय लिया। पिछले दिनों उनकी मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। उनकी मुलाकात ने यूपी के चुनावी मैदान में चर्चा का बाजार गर्मा दिया। हालांकि पिछले दिनों राजा भैया ने अपने समर्थकों को साफ कर दिया कि वो किसी भी दल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। जनसत्ता दल से जुड़े कार्यकर्ता और समर्थकों को अपनी इच्छा से सोच समझकर मतदान करने की अपील की। इसके बाद सपा उम्मीदवार ने राजा भैया के पास पहुंचकर समर्थन की कामना की थी।